गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ छीलरे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन में ले लिया है पानी, और इसमें मैंने छनी हुई शक्कर डाल दिया, जो देसी जो शक्कर होती है मैंने उसको छान के लिया है। उसको मैं अच्छे से मिला लूँगी इस तरीके से, देखिए। अब मैं ले लूँगी एक कटोरी आटा, और मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इस तरह से इसको मिला लूँगी। थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इस तरीके से इसको मिला लेना है, ये देखिए। और मैं एक सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार कर लूँगी, ये देखिए। आप आटे की क्वांटिटी इतनी देना कि जिससे इस तरह का मिश्रण हमारे बन के तैयार हो जाए। और मैंने थोड़ी इसमें सौंफ डाल दी है, ये देखिए। इस तरीके का मिक्सचर हमारा तैयार होना चाहिए। देखिए, मैंने एक लोहे का तवा लिया है, ये लोहे के तवे पे ही बनते हैं। देखिए, इस पर मैंने लगा दिया है घी, और चमचे से मिक्सचर डालते हुए आप इसको फैला दीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने घी लगा के इसके ऊपर चमचे से इस तरीके से डाल दीजिए मिक्सचर, और अच्छे से गोलाई देते हुए इस तरीके से इसको फैला दीजिए। आप इसको किसी पत्ते से या किसी गत्ते से भी फैला सकते हैं, और मीडियम लो फ्लेम करके हम इसको हाथ से भी फैला सकते हैं। और जब ये ऊपर से इस तरह से बबल आ जाए या फिर ब्राउन हो जाए, तो हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से पलट देंगे। देखिए, हल्के 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 से हम इसको इस तरह से निकालेंगे और इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा सा जो हमारा छीलरा है बन के हो गया है तैयार। हम इसको निकाल देंगे, नीचे की साइड भी हम इसको घी लगा देंगे इस तरीके से, और इसको सेक के हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा छीला हमारा बन के हो गया है। इसको छीला भी बोलते हैं और छीलरा भी। तो ये देखिए, हमारा छीलरा जो है बन के अच्छे से हो गया है तैयार। अब मैं आपको एक और छीलरा बना के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसी पैन पे मैं दोबारा से घी लगा लूँगी, और इस तरीके से चमचे से फैलाते हुए हम इसको गोलाई देते हुए अच्छे से पूरा बैटर इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, मैंने पूरा बैटर इसके ऊपर डाल दिया है, और इसको भी हम इसी तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। और ये हमारे छीले बन के हो गए तैयार। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी रेसिपी पसंद आती है,